कर दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि नीलू की सच्चाई जल्द ही लोगों के बीच में आने जा रही है कि नीलू का आखिरकार इतना बुरा किरदार कैसे हो सकता है, क्योंकि नीलू जो ऊपर से दिखती हैं हकीकत में वो वैसी नहीं है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल अच्छी दिखती हैं लेकिन अंदर से वो एक क्रिमिनल माइंड है। दोस्तों जहां पर मीत हुड्डा और मीत अलावा दोनों उस पर जो कि बहुत ज़्यादा रहम खा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि नीलू तो मासूम है, लेकिन नीलू की सच्चाई से अब ये लोग अनजान हैं। जल्दी ही नीलू की सच्चाई लोगों के बीच में आने जा रही है। वहीं पे ही दोस्तों बात की जाए तो घर में एक बहुत बड़ा टेंशन का माहौल आने जा रहा है। अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से लगातार एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेबल भी हैं, लेकिन दोस्तों बर्फी देवी की बेटी का रूप एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि कितना क्रिमिनल है। वहीं पे ही दोस्तों इस समय ईशा की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है और ईशा की तबीयत के पीछे कोई और नहीं बल्कि मीत हुड्डा की सौतन यानी कि नीलू है, क्योंकि नीलू हमेशा से ही अपना क्रिमिनल माइंड इतना ज़्यादा चलाती हुई नजर आई है कि वो जब चाहें जिसको चाहें उसको वैसे ही कर सकती है। लेकिन दोस्तों अभी की घटना की अगर बात की जाए तो अभी की घटना काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से मीत हुड्डा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चलने जा रही हैं, क्योंकि मीत हुड्डा के खिलाफ इसलिए साजिश चलने की फिराक कर रही हैं बर्फी देवी की बेटी नीलू कि मानो कि किसी भी तरीका से इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक देना चाहते हैं। वहीं मीत अलावा को जल्द ही नीलू की सच्चाई का पर्दाफाश होगा कि आखिरकार नीलू का इतना क्रिमिनल माइंड कैसे है और वो क्या करना चाहती हैं, क्योंकि नीलू जब जब अपना क्रिमिनल माइंड चलाती हैं वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करती हैं जिससे कि भारी नुकसान हो। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को